हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचा24 में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि देखिए, जो आपका जो प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स है वो अपलोड होने के बाद आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका अपलोड हो चुका है कि नहीं हुआ है। आपके इस्टेब्लिशमेंट ने आपके जो सेशन मार्क्स और आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होता है वो अपलोड कर दिए हैं कि नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे, तो इस वीडियो में वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियो को। ठीक है, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का भी नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको अपने वेबसाइट पर जाना है apprenticeship.org पे। ठीक है, उसके बाद अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप उसके बाद लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह का खुल जाता है। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा पहले कॉन्ट्रैक्ट, आपका कितने कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किए हुए हैं। ठीक है, उतने कॉन्ट्रैक्ट दिखा होगा, जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो यहाँ पर एक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी पर जाके सर्च करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, सेपरेट सेपरेट वीडियो है। कैसे अपॉर्चुनिटी में जाके अप्लाई करते हैं किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसके लिए भी अलग से एक वीडियो है, वो भी जाके आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करते हैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ मैंने। ठीक है, तो भी आप जाके देख सकते हैं। कैसे नए पोर्टल से पुराने पोर्टल पर माइग्रेट करते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी जाके देख लीजिए। बट फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ वही बताऊंगा कैसे आप चेक कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स और सेशन मार्क्स आपके अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए। पर उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे डैशबोर्ड लिखा हुआ है, प्रोफाइल लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, उसके बाद आपको देखो यहाँ लिखा हुआ है डीटी असेसमेंट एंड एआईटीटी एग्जाम, हमको इसी में जाना है, इसी में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा, देखिए इस तरह का पेज, यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपके कितने कॉन्ट्रैक्ट हैं। जैसे यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी शो कर रहा है तो किसी का एक शो करेगा, क्योंकि जिसने एक में अप्लाई किया तो उसका एक ही शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया गया और यहाँ पे दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर, तो इस बच्चे का दो कॉन्टैक्ट है इसलिए दो शो हो रहा है, आपका एक होगा तो आपका एक ही शो करेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दिखा रहा होगा, स्टेटस में दिखा रहा होगा यहाँ पर नॉट एलिजिबल फॉर असेसमेंट। ठीक है, यानी इस बच्चे का अभी प्रैक्टिकल के और सेशन मार्क्स अपलोड नहीं हुआ है, इसीलिए जो AITTA मार्क्स स्टेटस है यहाँ पर नो आ रहा है। अगर मार्क्स अपलोड हो जाता तो यहाँ पर येस लिखा हुआ था। ठीक है, और एक और बात देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोने में एक तीन डॉट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस डॉट पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखेगा वी कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर इसके मार्क्स अपलोड होते तो यहाँ पर एक और ऑप्शन होता अप्लाई करने का, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं नो लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई भी मार्क्स अपलोड यहाँ पर नहीं हुए हैं। ठीक है, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जो बच्चे 110 में फेल हो चुके थे ना, फेल होने के बाद अब 111 में जब उन्होंने अप्लाई किया है तो उन्होंने पूछा है कि हम सप्लीमेंट्री भरेंगे, ठीक है, या फ्रेश भरेंगे, तो आप सप्लीमेंट्री भरोगे। और देखिए यहाँ पर लिखा है अटैम्प्ट, आपके कितने अटैम्प्ट है, मान के चलिए अगर आप फेल हो चुके हैं तो यहाँ पर एक अटैम्प्ट आपका घट जाएगा, तो यहाँ पर तीन अटैम्प्ट लिखा होगा या चार अटैम्प्ट लिखा होगा, जितने भी अटैम्प्ट आपके बचे हुए हैं फेल होने के बाद, कितनी सप्लीमेंट्री भरी है तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। मान के चलिए यहाँ पर चार लिखा है, या अगर आप फेल हो चुके हो तो थ्री भी लिखा होगा। ठीक है, या किसी का दो लिखा होगा, जो अगर कोई दो या तीन बार फेल हुआ होगा उसका कोई मतलब उसका अटैम्प्ट कम होता जाएगा। ठीक है, ये आप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी इनसे मतलब नहीं है आपको, सिर्फ मतलब आपका ये है कि स्टेटस आप चेक करेंगे, स्टेटस में अगर लिखा हुआ है नॉट एलिजिबल फॉर असेसमेंट तो इसका मतलब आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड नहीं है, और यहाँ भी आप चेक करेंगे नो है कि येस है, अगर येस है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड है, नो है तो नहीं अपलोड है। तो ये भी दिखा दूंगा, ठीक है, दूसरा प्रोफाइल अभी दिखाऊंगा आपको कहाँ कैसे यस लिखा हुआ आता है। ठीक है, बट अगर नॉट एलिजिबल फॉर असेसमेंट लिखा आ रहा है तो अपने एस्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए, उन्हें बोलिए प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करने के लिए टाइम से, अगर 6 तारीख के बाद ये करते हैं तो आप पेपर नहीं दे पाओगे 111 बैच का। ठीक है, तो 6 तारीख से कोशिश कीजिए इससे पहले ही अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करवा लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी प्रोफाइल जिसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरे पास एक और प्रोफाइल है, इस बच्चे का प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, कैसे दिखाता है, तो यहाँ पर हमें जाना कहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताया कहाँ जाना, आपको डीटी असेसमेंट और AITTA एग्जाम लिखा हुआ, देखिए AITTA एग्जाम लिखा है, बस आपको ये समझ लेना, अगर AITTA एग्जाम जहाँ लिखा है बस उस पर हमें क्लिक करना है। तो अभी हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पर खुल गया, देखिए तो यहाँ पर इस बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखेंगे स्टेटस में क्या लिखा हुआ है,
मैंने अभी जो आपको प्रोफाइल दिखाया था उसमें लिखा था नॉट एलिजिबल फॉर असेसमेंट, यहाँ पर क्या लिखा, एलिजिबल फॉर असेसमेंट, यानी इस बच्चे का प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं, सेशन मार्क्स अपलोड हो चुके हैं, और एलिजिबल फॉर असेसमेंट मतलब आपका जो AITT का पेपर होने वाला है 111 का, इसमें ये बच्चा बैठेगा, पेपर देगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। और AITT मार्क्स स्टेटस आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यस, इसका मतलब इसके मार्क्स अपलोड हो चुके हैं, सेशन और प्रैक्टिकल दोनों मार्क्स अपलोड हो गया टाइम से, अभी बच्चा पेपर देने के लिए रेडी है। इसको अब क्या करना है, जैसे ही 6 तारीख के बाद स्टार्ट होगा रजिस्ट्रेशन, इसको बस क्लिक करके पेमेंट करनी है, अपनी फीस भरनी है, उसके बाद ये पेपर में बैठेगा, डायरेक्ट इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और एडमिट कार्ड भी आपका यहीं पर आएगा, यहीं से आपको डाउनलोड करना है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, यहीं पर एक और ऑप्शन आ जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, ठीक है, यह हो गया। अब आपने देख लिया कैसे आता है नॉट एलिजिबल असेसमेंट और कैसे मार्क्स आप दिखाएंगे, ठीक है, तो आप दोनों देख लीजिए, दोनों प्रोफाइल आपको मैं दिखा देता हूँ, और जिस बच्चे का मार्क्स अपलोड है उसका यस दिखाएगा, और जिस बच्चे का कुछ भी मार्क्स अपलोड नहीं है वहाँ पर नो दिखाएगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और एक और चीज़ अब दिखाता हूँ, अगर मान के चलिए जब इस बच्चे का यस लिखा हुआ आ रहा है तो अब यहाँ पर एक्शन में क्या आएगा, यहाँ पर एक्शन है, यहीं पर आपको जाके अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर हम एक्शन देखेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट बना हुआ है, इस 3 डॉट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल, उस बच्चे का जिसका नो लिखा रहा था उसका सिर्फ व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल आ रहा था, और इस बच्चे का यार अप्लाई फॉर असेसमेंट, अप्लाई फॉर असेसमेंट का मतलब यह है कि जैसे ही अब इसका 6 तारीख के बाद स्टार्ट होगा इसका अप्लाई पर बस क्लिक करना है, अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या लगा, काइंडली अप्लाई फॉर असेसमेंट ऑन शेड्यूल डेट, इसका मतलब यह है कि अभी डेट स्टार्ट नहीं हुई है रजिस्ट्रेशन की, जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट होगी आप अप्लाई क्लिक कीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट असेसमेंट पर क्लिक करना है, अप्लाई हो जाएगा एग्जाम के लिए, यानी 111 के लिए बच्चा पेपर देगा, ठीक है, और यहीं पर एक एडमिट कार्ड का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कैसे आपको चेक करना है आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स और सेशन मार्क्स अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अगर नहीं हुए के लिए भी आपने देख लिया। अब आपको करना क्या है, अगर नहीं अपलोड है तो अपने एस्टेब्लिशमेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए, उन्हें बोलिए कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स टाइमली अपलोड कर दे। लास्ट डेट जो है आपकी 6 तारीख, सभी जानते हैं कि 6 अगस्त को लास्ट डेट है, तो 6 अगस्त से पहले आपको चढ़वाने अपने सारे मार्क्स, ठीक है, दोनों मार्क्स प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स अपलोड करवाने हैं टाइम से, ठीक है। बाकी टॉपिक्स पे जैसे अपॉर्चुनिटी होगा इन सब के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, कॉन्टैक्ट असाइन करते हैं तो जाके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिए, ठीक है, अगर आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।